हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टीचैनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। जैसा आपको पता है, हमने एक वीडियो बनाया था अबाउट मेल मर्ज प्रोसेस, जिसमें ऑटोमेटिक आइडेंटिटी कार्ड्स आपको दिखाया हम कैसे बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम उसी का सेकेंड एक वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसमें हम आपको स्मार्ट ट्रिक्स दिखाएंगे जो बिल्कुल शॉर्ट समय में आप सीख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। जैसे आपको पता ही है, हमारे फोटोग्राफ्स एक फोल्डर में जिसका नाम मल्टी चैनल आई कार्ड नंबर वाइज फोटोग्राफ्स है, जिसमें हमारे फोटोग्राफ्स 104 लगे हैं। एंड सेकंड, हमारा एक डेटा जो एक्सेल शीट में है फॉर मल्टी चैनल नाम के नाम से है, ठीक है। इसमें हमारे क्रेडेंशियल्स लगे हुए, क्रेडेंशियल जो आपको पहले पता है, नेम, कैंडिडेट आईडी, जॉब रोल, जॉब कोड, बैच नंबर, बैच ओजीटी, डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी डेट, ऑन जॉब एंड ट्रेनिंग लोकेशन। इसमें हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फोटोग्राफ को इंसर्ट करना। तो हम इंसर्ट पे चले जाएंगे। इंसर्ट पे हम इंसर्ट या कंट्रोल प्लस के भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस के। उसमें आपने मल्टी चैनल फोल्डर को सिलेक्ट करना है एक बार, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आगे जे लिखना है, जे इसलिए लिखना है क्योंकि हमारा जो डेटा जे ड्राइव पे है, और फिर फॉरवर्ड स्लैश, और इधर भी फॉरवर्ड स्लैश करना है। फॉरवर्ड स्लैश करने के बाद, इसको सिलेक्ट करने के बाद, जो इधर डॉट नज़र आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करना है। ये बिल्कुल जितनी भी एंट्रीज आपकी है उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। अब फोटो एंड सीरियल, सीरियल में आपने 1 एंड 2 लिखना है, 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक कीजिए, तो ऑटोमेटिकली जितनी आपकी एंट्रीज है उतनी एंट्रीज इसमें फिट हो जाएगी। अब हमने यहाँ फोटोग्राफ का एक पार्ट डालना है। जैसे हमारा एक फोटोग्राफ का पाथ है, वो हमारा है 1, 2 करके हमारे फोटोग्राफ्स है 104 तक। तो इसमें हम लिख देंगे .jpg। ये .jpg नीचे करके कैपिटलाइज में या स्मॉल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डबल क्लिक करके आपका JPG आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन हमारा एक 12 वाला फोटोग्राफ है, वो JPG करके है। अब यहाँ एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, इज इक्वलेंट टू CON कॉन्केनेट, डबल क्लिक करके ये सेलेक्ट सेल करके कॉमा ये दूसरी सेल, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आपका ये आ गया ऑटोमेटिकली। तो नीचे आपने सेलेक्ट करके ये आपका यहाँ आ गया। आप कंट्रोल सेव कर लीजिए इसको और बंद कीजिए, और एक वर्ड फाइल ओपन कीजिए जहाँ आपका ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में दिखाया एक वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ हमारे क्रेडेंशियल्स में सबसे पहले ये क्रेडेंशियल्स इंसर्ट करने हैं, मेलिंग में चले जाना है, और यहाँ यूज़ एग्जिस्टिंग डेटा करना है। और यूज़ एग्जिस्टिंग डेटा में आपका जे ड्राइव पे है, और जे ड्राइव पे आपका जो एक्सेल डेटा है वो फॉर मल्टी चैनल नाम के नाम से है, उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपने फील्ड्स डालने, इंसर्ट कैंडिडेट पे कैंडिडेट डालना है, कैंडिडेट आईडी पे कैंडिडेट आईडी इंसर्ट करना है, जॉब रोल पे जॉब रोल इंसर्ट करना है, और यहाँ बैच नंबर पे बैच नंबर इंसर्ट करना है, ओजीटी पे ओजीटी इंसर्ट करना है, वैलिड इशू जहाँ है वहाँ इंसर्ट डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी डेट को वैलिडिटी डेट इशू इंसर्ट, और यहाँ आपने जॉब ट्रेनिंग लोकेशन इंसर्ट करना है, और यहाँ आपने सेंट्रल लोकेशन इंसर्ट करना है। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने कलर रखना है, ठीक है। इनको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस, कंट्रोल को कंटिन्यू प्रेस करना और सिलेक्ट करना है कर्सर से। आप कोई भी कलर होम में जाके कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लैक देंगे एज यूजुअल। और यहाँ एक बॉक्स ऑलरेडी जो हमने दिखाया आपको इंसर्ट कैसे करना है, तो इस पर कंट्रोल दबाने के बाद F9 प्रेस करना है। इसमें एक फार्मूला जो आपको याद ही है, INCLUDEPICTURE इंक्लूड पिक्चर, फिर स्पेस डालना है, फिर एक बार कंट्रोल F9 फिर से दबाना है। उस पर लिखना है IF TRUE, और फिर इन्वर्टेड कामा
स्पेस डाल के शिफ्ट और इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करना है। देख लीजिए ये फॉर्मूला है, और इस पे आपने मेलिंग में चले जाना है, इंसर्ट करना है आपने पाथ, इंसर्ट करना है फोटोग्राफ। ये इनविजिबल हो गया, इट मीन कि आपकी फॉर्मूला करेक्ट है। जूम वापस हम लेते हैं, फिर स्टार्ट मेलिंग में जाना है, लेबल्स पे चले जाना है। लेबल के बाद कुछ नहीं करना है, कैंसिल करना है, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है। इधर एक चीज़ डालेंगे हम और, इंसर्ट मर्ज फील्ड में वो डालेंगे का सीरियल नंबर एंड अपडेट लेबल्स। अपडेट टेबल के बाद फिनिश एंड मर्ज ऑल, यस करना है। देखिए फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली आपके इस पे आगे 104 बच चुके, हमारे पास 104 एंट्रीज हैं। रैंडमली कोई भी फोटोग्राफ ले लीजिए, जैसे एक नंबर पे ये फोटोग्राफ है, देख लीजिए इसी का फोटोग्राफ है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं लेबल्स पे, कोई भी रैंडम केस ले लीजिए। 34 पे ये फोटोग्राफ है, 34 सेलेक्ट कीजिए, देखिए 34 पे इसी का फोटोग्राफ है, ठीक 34। तो फोटोग्राफ इसलिए मैंने सीरियल डाल दिया है ताकि आप भी चेक कर सकते हैं कि फोटोग्राफ सही लगे है। 70 पे इस लड़के का फोटोग्राफ है, 70 हम जाते हैं, 70 पे इसी लड़के का फोटोग्राफ है, ठीक करेक्ट। तो ये स्मार्ट ट्रिक थी जिसमें आपने सीखा कि शॉर्टेस्ट टाइम में हम कैसे मेल मर्ज प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल मल्टी चैनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिएगा। Have a nice day.